हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी लेके आए हैं। इस प्रोजेक्ट कार्य में आपको कैसे कार्य करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले विद्यार्थी को क्या कार्य करना है, क्या निर्देश दिए उन्हें पढ़ना है। तो विद्यार्थी के निर्देश है, निम्नांकित जानकारी अनिवार्य भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, अपनी कक्षा का नाम लिखेगा और शाला का नाम। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कार्य कितने अंक का है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य आपका 40 अंक का है। फिर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहेंगे। निर्देश क्या दिए महत्वपूर्ण, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। सभी विषय आपके चारों विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य है एक ही बुकलेट में रहेंगे। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकाल कर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान पर लिखा जाए। फिर देखिए, प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी और संबंधित जनों से भी चर्चा कर सकते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट कार्य को आपको कहाँ जमा करना है, अपने कक्षा शिक्षक के पास। अब देखते हैं, यहाँ से हम वर्कशीट प्रारंभ करते हैं। सेक्शन बी, रीड द इंट्रोडक्शन एंड ड्रॉ द पिक्चर। अब आपको यहाँ पे क्या दिया, ड्रॉ हॉर्स, ड्रॉ डोर टू दिस हाउस, ड्रॉ ट्री बिहाइंड द हॉर्स, ड्रॉ अ बर्ड इन द ट्री, ड्रॉ क्रॉस एब्रो द ट्री, ड्रॉ रेनबो अक्रॉस द स्काई। तो आपको यहाँ पे एक क्या बनाना है, ये सभी चीज़ें जिसमें आ जाए, ये कोल्ड आ गया आपका, बादल, बर्ड, ट्री, डोर, रेनबो, तो ये सभी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना था। तो देखिए, हमने ये आपकी पूरी पिक्चरों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताएं। ड्रॉ हाउस, तो हमने यहाँ पे हाउस बना के बताएं, देखिए ये। फिर क्या दिया हुआ है, ड्रॉ डोर टू दिस हाउस, तो डोर ये बना दिए, हाउस में डोर बनाना है। फिर थर्ड क्या दिया, ड्रॉ ट्री बिहाइंड द हाउस, तो बिहाइंड द हाउस में ये बना दिए। फिर बर्ड का और ट्री का और रेनबो का चित्र बनाना था, तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे बना के बता दी। आप इस प्रकार से ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर पे हमको 5 सेंटेंस लिखना है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। सेकेंड सेंटेंस, देर इज़ अ ट्री बिहाइंड द हाउस। थर्ड नंबर, ए बर्ड सिटिंग इन द ट्री। फिफ्थ, चौथा नंबर, देर इज़ अ कॉल्स अबाउट द ट्री। और फाइव नंबर, देर इज़ अ रेनबो क्रॉस द स्काई। इस प्रकार इसके 5 सेंटेंस लिखना है आपको। ये ड्रा बनाना है, इस ड्रा पे 5 सेंटेंस लिखना है। और ड्रा किस आधार पर बनेगी, ये यहाँ पर आपको जो किस किस के ड्रॉ बनाना है इसके आधार पे हमको यहाँ पे बताना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन दिया, ड्रा आर पेस्ट, यानी कि आपको ड्रा करना या पेस्ट करना है पिक्चर एन एलिफेंट इन द गिवन बॉक्स। यानी कि आपको यहाँ पे एलिफेंट की पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं या बना सकते हैं, यानी कि चिपका सकते हैं या बना सकते हैं। उसके बाद राइट 5 लाइन अबाउट द एलिफेंट यूजिंग द वर्ड फ्राम द बॉक्स। यानी कि ये बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं उनसे हमको 5 सेंटेंस बनाना है। तो क्या क्या दिया है, ट्रंक दिया है, टीथ दिया है, ईयर दिया है, लेग दिया है, ग्रॉस दिया है। तो इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा, एलिफेंट हैव ट्रंक्स दैट हेल्प देम टू ग्रॉप फूड। द एलिफेंट इज द टू लार्ज टीथ। फिर थर्ड देखिए, द एलिफेंट इज टू लार्ज ईयर्स। फिर द एलिफेंट इज अ 4 लेग एलिफेंट, इट्स ग्रीन घास। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 5 पॉइंट बना सकते हैं। जैसे एलिफेंट इज टू लार्ज टीथ, यानी कि उसके हाथी के 2 लंबे दांत होते हैं। द एलिफेंट इज टू लार्ज ईयर, यानी 2 कान, बड़े बड़े कान होते हैं। फिर द एलिफेंट इज 4 लेग एंड उसके 4 पैर होते हैं। एलिफेंट इज अ ग्रीन घास, और हाथी हरा घास खाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया था, ड्रॉ पेस्ट एंड पिक्चर ऑफ एलिफेंट इन द गिवन बॉक्स, आपको इस बॉक्स में एलिफेंट की
पिक्चर बनाना है या चिपकाना है, और उस पे आपको 5 पॉइंट लिखना है, जो किसके जो राइट 5 लाइंस अबाउट द एलिफेंट यूजिंग द वर्ड फार बॉक्स। ये बॉक्स में जो दिए हुए हैं इन पे हमको कितनी लाइन लिखना है, 5 लाइन। तो ये आपको 5 लाइन लिख के बताएं। इसी प्रकार किसका दिया हुआ था यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे ड्रॉ बनाना था किसके आधार पे, ये आपको प्रश्न क्वेश्चन में दिया, इस आधार पर ड्रॉ बना के उसमें भी 5 सेंटेंस आपको लिखना था, आपको यहाँ पे हमने लिख के बताए। बच्चों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।